hello friends welcome to my channel evolage i am shomya and in this video i am going to tell you about if clause hum, if clause we use Jab hum, uh, when we are speaking in english then most of the time we occur this particular clause if clause but uh, somehow most of the people they make a mistake while using this particular statement सो so, मैं आपको इस वीडियो में आज ऐसे ईफ क्लास को एग्ज़ाम्पल दे के बोलूँगा क्योंकि आपने नाइन्थ या टेंथ या जो भी आपने पढ़ा उसमें हर क्लास में आपको पता है कि इफ क्लास का कैसे लेसनस आपको दिया जाता है फिर भी आप मिस्टेक्स करते हो लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा और उस एग्जांपल में आपको ऐसे बताऊँगा देन यू विल रिमेंबर दिस फॉर द होल ऑफ़ योर लाइफ सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दोस्तों मैं आपको एक कामन एग्जाम्पल दूँगा कैसे आप ईफ़ क्लॉज यूज़ कर सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईफ क्लॉज यूज़ करना तो देखिए सपोज यू हैव ए फ्रेंड एंड ही और सी वॉन्ट्स टू बिकॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके वो बोल रही है कि बोल रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहता है या फिर चाहती है और uh, कुछ करना चाहता है पुअर uh, के लिए ठीक है जो सब अंडर uh, प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए वो कुछ करना चाहता है तो ले जाइए एक स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि मैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा या फिर बन जाता हूं या फिर होता तब मैं ये करता पुअर के लिए गरीबों के लिए मैं ये सब करता तो इसको हम चार टाइप्स में डिवाइड करेंगे वन टू थ्री फोर तो फर्स्ट वन क्या हुआ अगर मैं बन जाऊंगा Suppose your friend is right now. He is uh, fifty years of uh, old, and uh, he wants to be the prime minister. And uh, we have to use a use an if clause. Okay, so here, what we will do? It is possible for him. He or she can become the prime minister of India. If I become the PM. ऑफ इंडिया ओके इफ आई बिकॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई विल हेल्प दुअर ठीक है अगर मैं बन जाता हूं पी एम ऑफ इंडिया इफ आई बिकॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई विल हेल्प द पुअर देन मैं हेल्प करूंगा किसको पुअर को जो सब गरीबों हैं उनको हेल्प करूँगा मैं अगर मैं पीएम बन जाता हूँ तो टाइमलाइन क्या है टाइमलाइन ये है कि राइट नाउ द मे बी द इलेक्शन इज गोइंग ऑन एंड ही योर फ्रेंड इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन एंड ही वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट्स वाई ही इज सेंग इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई विल हेल्प द पुअर ओके ही इज एलिजिबल वो एलिजिबल है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और वो बनना चाहता है और अगर बनेगा तब जाके वो हेल्प करेगा किसको को पुअर को तो ये हो गया आपका एक सिनेरियो आप कुछ करना चाहते हो अगर आप वो बन जाते हो तो फिर आप ये करोगे इफ आई बिकम दिस देन आई विल डू दिस ये हो गया फर्स्ट जो स्टेटमेंट था ये हो गया किसमें सिंपल प्रेजेंट ठीक है ये हो गया सिंपल प्रेजेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हो गया क्या सिंपल फ्यूचर तो ठीक है ये एक सिनेरियो हो गया जिसमें हम फर्स्ट स्टेटमेंट जो इफ क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं और उसका जो सबोर्डिनेट क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं सिंपल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर ये पॉसिबल स्टेटमेंट है अगर मैं बन जाता हूं पीएम ऑफ इंडिया देन आई विल हेल्प द प्यर पुअर मैं पुअर जो गरीबों हैं उनको हेल्प करूंगा ये हो गया एक तरीका तो सेकेंड जो है सेकेंड में क्या है इफ I wear or watch the PM of India, I would have the pool. ठीक है ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है क्या है इफ़ आई वॉज और वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हेल्प इसमें को क्या हो गया इसमें सिनेरियो क्या है देखिए सपोज योर फ्रेंड इज राइट नाउ ए सिटीजन ऑफ यूएसए ओके okay, यूएसए का एक सिटीजन है लेकिन आपको पता है कि पीएम बनने के लिए उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए तो ये इस उसका इमेजिनेशन है वो नहीं बन सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो जस्ट इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाता हूँ ले तब जाके मैं किसको हेल्प करूंगा पुअर को हेल्प करूंगा तो ये हो गया सीनारियो क्या हो गया इमेजिनेशन मुझे पता है आप सबको पढ़ाया गया होगा इफ आई वेर बर्ड आई फ्लाई अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ जाता तो ऐसे कुछ आपको सिखाया होगा लेकिन वो सब छोड़िए ये देखिए ये इमेजिनेशन है ये हो गया आपका फ्रेंड है क्या यूएसए सिटीजन तो अमेरिकन सिटीजन है लेकिन वो बनना चाहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेकिन ये मतलब पॉसिबल नहीं है ये इसका पॉसिबिलिटी जीरो है वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बन सकता है क्योंकि वो इंडियन नहीं है लेकिन वो चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर बने तो इसीलिए अगर इमेजिनेशन होगा तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इफ क्लॉज क्या हो गया वेयर और वॉज आपको वाज यूज़ कर सकते हो इफ़ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ आई वेयर भी यूज़ कर सकते हो वाज नहीं तो वेयर जो भी यूज करोगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है और सेकेंड जो सपोर्डिनेट क्लॉज है उसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या वुड आपको डब्ल्यू ओ यूएल डी यूज़ करना पड़ेगा आपको सेकेंड सबोर्डिनेट क्लॉज में तो ये हो गया सेकेंड तो सेकेंड फास्ट में क्या हुआ था अगर वो बनेगा अगर वो बनता है तो फिर जाके पोअर को हेल्प करेगा और जो सेकेंड हो गया वो इसका इमेजिनेशन है वो बन नहीं सकता है लेकिन वो चाहता है वो चाहता है बनने के लिए लेकिन इसका इमेजिनेशन उसका है तो इसीलिए वो ही कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ही इज इमेजिनिंग इट ओके ही हैज़

हेल्प द पुअर ठीक है ये हो गया थर्ड थर्ड जो क्लॉ जो इफ क्लॉज का दो, जो थर्ड रूल है तो ये हो गया इफ आई हेड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव हेल्प द पुअर ठीक है इसमें कितने सारे बहुत सारे यूज हुआ है आई हार्ड या फिर वुड हाव ये सब चीज़ ये क्यों यूज हुआ है सपोज आपका जो दोस्त है अभी इलेक्शन में खड़ा हुआ था ठीक है लेकिन वो जीत नहीं पाया इलेक्शन ख़त्म हो गया तो और कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का लेकिन आपका दोस्त जीत नहीं पाया तो एक न, दो तीन महीने के बाद सपोज आफ्टर टू और थ्री मंथ्स द पुअर आर सफरिंग इन योर कंट्री इन आवर इंडिया एंड राइट नाउ यू आर डिस्कसिंग लाइक ऐसे सब चल रहा है पुअर गरीबों के लिए कुछ नहीं है तो आपका दोस्त क्या बोल रहा है अगर मैं बनता क्या yeah, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता या फिर बनता तब जाके मैं जरूर हेल्प करता किसको पुअर को लेकिन वो अब कर नहीं सकता है क्योंकि वो इलेक्शन ख़त्म हो गया और वो हार गया है तो ये ख़त्म हो गया है तो ये वो इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं कर होता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तब जाके मैं हेल्प करता ये एक छोटा सा उस टाइम का सिनेरियो है इफ़ आई हेड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता आई वुड हैव हैल्प्ड में हेल्प करता किसको पुअर को ठीक है तो इसका जो फर्स्ट क्लॉज हो गया आई हार्ड बिकम यो हो गया पास्ट पार्टिसिपल और यू कैन से इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बिकम और इसको क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट ठीक है past, perfect, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट फॉर्म में है इफ क्लॉज का और जो सब क्लॉज है उसमें क्या हो गया वुड हैव आपको यूज करना पड़ेगा वुड हैव और इसमें हेल्प्स ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ठीक है लास्ट फॉर्म हेल्प का क्या हो गया हेल्प तो अगर आप पहले यूज़ करते हो इफ आई हेड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड द पुअर ठीक hey, है ये हो गया तीन आपका जो रूल से आपको लगभग ये तीनों रूल ही आपको फॉलो करना पड़ेगा जो आपका जो आप यूज़ करोगे स्पोकन इंग्लिश में हो या फिर रिटन इंग्लिश में हो ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो फर्स्ट वन था वो इम्पोर्टेंट है सेकेंड वन था वो भी इम्पोर्टेंट है और ये थर्ड वन जो है वो इम्पोर्टेंट है तो सेकेंड वन में मैंने क्या यूज़ किया था आप यहाँ पर देखो इफ आई वॉज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये हो गया इमेजिनेशन का इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं वो क्या है इफ आई बी केम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड दुअर ठीक है इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है इसमें आई वेयर और वाज यूज़ हुआ है इसमें आई बिकेम यूज़ हुआ है तो दोनों इमेजिनेशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर ये जो बंदा है आपका दोस्त है ये पीएम बन सकता है लेकिन बहुत अभी बन नहीं पाया है लेकिन फ्यूचर में मे भी बन सकता है मे भी इसका इमेजिनेशन है तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है क्या है इसमें जो वेयर और वाज यूज़ हुआ है तो ये मेन भाव है और ये हेल्पिंग भाव भी है लेकिन यहाँ पर बिकेम जो यूज हुआ है ये पास्ट में यूज हुआ है और ये क्या है ये उसका आपका मेन पावर है ठीक है इसमें हेल्पिंग भावर कुछ भी नहीं है ये मेन भाव है ठीक है बीकेम ये आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ये भी यूज कर सकते हो ये दोनों आप यूज कर सकते हो तो जो मोस्ट प्रोबाबिलिटी जिसका होता है जो, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में वो ये होता है नहीं तो आपका जो फर्स्ट वन था इफ़ आई बिकॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल हेल्प दुअर पोप वो भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन और जो थर्ड वन है वो भी आप यूज़ कर सकते हो ये ये जो है इफ आई हेड बिकम प्राइम मिनिस्टर ये तीनों आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो तीनों स्टेटमेंट है इफ क्लॉज का ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज करना पड़ेगा ये आप याद रख लो ये जो एक एग्जांपल मैंने दिया ये इजी है आपको याद रखने के लिए प्रैक्टिस करो आप आपका हो जाएगा ठीक है तो अगर इसमें कुछ भी और भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और कमेंट uh, सेक्शन में दे सकते हो नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे नाइन वन टू फोर जीरो टू टू सेवन नाइन टू अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर इंस्टीट्यूट इफ़ यू वांट टू बिकम ए पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट देन प्लीज़ कॉल मी ऑन माई नंबर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ब्लेस्ड